ब्लैंक नॉट टेक टी, ये सेंटेंस लिखा मैंने, इसके लिए ऑप्शन देता हूँ, क्या सी आ रही है? हाँ जी, कैन डेयर नीड एंड वुड, बताओ इसमें क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही खालिस्तान नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेगा, वह चाय नहीं ले सकता, हिम्मत नहीं है लेने की, वगैरह वगैरह, जो भी आपको लिखना वो बताइए मुझे। हाँ, वुड, मैं समझाता हूँ इसको। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, अगर आप हिंदी के हिसाब से आंसर देंगे तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर आपको ठीक लगेंगे, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट समझेंगे कि कहाँ से आया है, अगर वो समझने की कोशिश करेंगे तो बात क्या है कि ये ना आपके एक्चुअल में नरेशन से आया है। जैसे मैंने लिखा ही सेड कॉमे स्टार्ट, वो लिखेगा ऐसे, हूँ कर रहे हैं, जैसे पता है उस बात का, आई विल नॉट टेक टी, याद आई, नरेशन करवाई थी मैंने आपको। चलो बात सुनो मेरी, मैं बताता हूँ बात क्या है। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, ये जो आगे का जो पार्ट रहता है वो क्या होता है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये जो सेंटेंस होता है ना, इसका मतलब उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आप इस बात को समझना, एक ही पॉइंट में आपका एक तरीके से टॉपिक कवर हो जाएगा अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो। कैसे? नरेशन का टॉपिक क्या होता है कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात बोली है, मान लीजिए उसने ये बात मुझे ही बोली है, लिखा क्या गया कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने जो मुझे कहा है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यानी उसके मुंह से एग्जैक्ट वर्ड क्या निकले, एग्जैक्ट वर्ड क्या निकले, आई विल नॉट टेक टी, यानी मैं चाय नहीं लूँगा। तो ये बात है इसके द्वारा कही गई, अब इस बात को किसी और के सामने बोलना है कि वो कैसे बोलेगा उस बात को, वो जो जैसे बोलेगा उसी को उत्तर कहते हैं। ये उत्तर बना हुआ है ऊपर, मैं इसका उत्तर बनाता हूँ पहले, आपको बात समझ में आएगी। देखिए अब आपको क्या करना है, नरेशन का कोई भी आंसर करना, पूरा नरेशन टॉपिक इसी बात में ख़त्म हो जाएगा। मेन फोकस दो बातों पर करना होता है कि ये कैसे चेंज होगा और टेंस जो दिया वो किस में चेंज होगा, कॉमे की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह, ये दो तीन बातें ही होती हैं। रूल से सीखेंगे तीन चार दिन लग जाएंगे और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और अगर कॉमन सेंस है और मैं जो बताऊँ अगर उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो 5 मिनट में समझ सकते हैं। इमेजिन करो, मान लीजिए इन्होंने कहा है मुझे ये बात, क्या निकले इनके मुझसे, मैं चाय नहीं लूँगी, कह दिया इन्होंने, मैं थोड़ी देर बाद जाके मान लीजिए इनको बता रहा हूँ तो कैसे बताऊँगा कि उसने मुझे कहा कि वह चाय नहीं लेगी, ऐसा ही तो बोलूँगा। तो क्या चेंज आया, आपने सीधा लिखा ही सेड दैट, उसने कहा कि, आई जो है कन्वर्ट होगा ही के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे आप, ही के अंदर लिखेंगे। अच्छा अब बात ये होती है कि यहाँ पर जो दिया होता है ना टेंस या जो वर्ड, उसको पास्ट में लिखना होता है। पास्ट में क्यों लिखना होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जाके किसी को बताएंगे तो पिछली बात ऑटोमेटिक, जब इन्होंने मुझे बोला मैंने सुन के थोड़ी देर बाद किसी को बताई तो वो बात ऑटोमेटिक क्या होगी, पास्ट की होगी। तो इसका मतलब आप यहाँ जो वर्ड दिया उसको पास्ट में, विल का पास्ट क्या होता है वुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, तो विल किस में कन्वर्ट किया गया आपका, वुड में, और आपने लिख दिया कि वुड नॉट टेक टी। अगर इसको ऐसे समझते हैं ना तो हिंदी के हिसाब से आपको पछता ही नहीं वो चीज़। अब मैंने वुड मॉडल के बारे में आपको क्या समझाया था कि वुड जो मॉडल है वो आपकी किस चीज़ को आप प्रेफरेंस करते हैं या फ्यूचर में आप क्या करना पसंद करेंगे, कई सारी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको बताता है। तो अगर आप सिर्फ इतना देखेंगे ही वुड नॉट टेक टी, हिंदी क्या बनी, वो चाहे नहीं लेगा, तो वुड ये भी तो दिखाता ना कि आप क्या प्रेफर करेंगे, फ्यूचर के लिए भी दिखाता है, पास्ट के लिए भी दिखाता है, कई सारी प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। तो आपको टोटल बात क्या समझनी है कि यहाँ पर जो सेड दिया ना वो आपका मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी, इसका मतलब पास्ट से बात शुरू हो रही है, तो पूरा सेंटेंस किस में चलेगा, पास्ट में ही चलेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड, क्यों, बाकी जितने भी ऑप्शन थे उसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, कैन का पास्ट कुड होता है, डेयर के बारे में आप क्या जानते हैं, डेयर लाइन में दो तरीके से आता है, एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से तो दूसरा मेन वर्ब के तरीके से, कैसे पहचानते थे, नॉट या फिर आपको क्या मिलता था, शुरू में मिलके लास्ट में वो जो निशान था ना क्वेश्चन मार्क वाला, वो दोनों बातें यहाँ पर आपकी अगर मैं देखूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डेयर लिखता हूँ तो अब तो नॉट के पहले डेयर आया ना,
पास्ट वाली चीज़ तो होती ही नहीं है, विल का तो होता है, डेयर के साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि उसका पास्ट होता है। तो इसका मतलब आप डेयर का डेयर ही रखेंगे यहाँ पर, हिंदी उस हिसाब से बनी, ही डेयर नॉट टेक टी, उसमें हिम्मत नहीं चाहे लेने की, हिंदी तो बन गई लेकिन अच्छा थोड़ी ना लग रहा है कि हिम्मत वाली क्या बात होगी। इसका मतलब आपने यहाँ नीड देखा, मान लीजिए आप नीड रख लेते हैं, नीड को भी दो तरीके से यूज़ करते हैं आप, नॉट के पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर इंटरोगेटिव में आता है तो हेल्पिंग वर्ब, वरना वो मेन वर्ब है। नोट ने बताया हेल्पिंग वर्ब, ही नीड नॉट टेक थी, उसको जरूरत नहीं है चाय लेने की, पास्ट इसका बनेगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन में यहाँ नीड नॉट टेक मिला तो नीड का पास्ट तो बनेगा ही ना, विल कैन मे इनका बन जाता है, तो यानी हिंदी तो इसके हिसाब से बनेगी, उसको जरूरत नहीं है चाय लेने की। लेकिन इसको भी छोड़िए, अगर आप अगला ऑप्शन देखते हैं ना वुड, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि शुरू में आपको पास्ट की फॉर्म दी गई है, शुरू में पास्ट है, इसका मतलब आगे भी पास्ट की बात चलेगी, मैंने मॉडल में सिखाया था इसको, तो इसका मतलब आप पास्ट वाला मॉडल ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वुड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ ही वुड नॉट टेक टी, हिंदी क्या बनेगी इसकी, वह चाय। आगे चलें, अगर समझ आ गया तो, तय कर गदर रखा कहाँ, कपड़ा बिल्कुल अलमारी में सजा रखा है। अगला बोलता हूँ, खुद आंसर देना जी, ये तो आना चाहिए पेपर के लिए, इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, अगर देने लगा ना तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर देगा। गिव मी योर बाइसिकल, ऑप्शन दिए इसके अंदर इसने, कैन विल एंड वुड और मस्ट, बताइए क्या करेंगे, सोच के सारी बातें सोच के, हिंदी मॉडल के अंदर बाद में, पहले जितनी बातें हैं मॉडल के बारे में जानते हैं उनको लगाना, बाद में हिंदी यूज करना जी, ठीक है। इस पे दिखाई नहीं दे रही, नहीं दूसरी चीजें दिख रही, चलो छोड़ो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सोचता ऐसे लगा रखी है। सबका आंसर कैन है। एक बात बताओ, इस सेंटेंस के अंदर क्या फीलिंग आ रही है, रिक्वेस्ट करने की फीलिंग आ रही है। मॉडल आपको कैन दिया, जितने भी मॉडल दिए इनमें रिक्वेस्ट, जब मॉडल सिखाया जाता था तो मस्ट को छोड़ के तीनों से आप रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन तीनों में फर्क था, क्या फर्क था कि अगर आप कैन से रिक्वेस्ट करेंगे इसका मतलब सामने वाले के ऊपर आपका हक है, कोई आपका अपना है तो आप उससे कोई मांग रहे हैं तो इसका मतलब हक है, कैन से आपने मांगा कुछ भी। उसके बाद आपने विल, मान लीजिए आप इस्तेमाल करते हैं तो रिक्वेस्ट इससे भी करते हैं, लेकिन बात क्या होती है ना, ये आपकी सिर्फ फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, मतलब आप औपचारिकता से बोल रहे हैं, यानी काम का होना आप विल से कैसे दिखाते हैं 95% तक। अब अगर मैं बात करूं वुड से रिक्वेस्ट की, तो वुड से मैंने क्या दिखाया था, पोलाइट से पोलाइट रिक्वेस्ट, एकदम विनम्र होकर के जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने सीधी मोटे तौर पर पहचान दी थी, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन करे और आपको उसके अंदर प्लीज वर्ड दिखाई दे जाए तो आपको दो मॉडल समझ में आने चाहिए, या तो वुड आएगा और या फिर कोड आएगा जी, कैन नहीं आएगा, कोड और वुड ये दोनों आपके पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाते हैं, इन दोनों से ही आपको करना होगा, क्लियर। नहीं कैन देखिए, अगर आप कैन लगा रहे हैं तो फिर प्लीज उसके साथ सूट नहीं करता ना, कि आप नॉन या तो आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति से रिक्वेस्ट करेंगे जिसके ऊपर आपका पूर्ण हक है, वहां प्लीज कह के थोड़ी ना चीज मांगेंगे, तो बेइज्जती होगी ना अपनेपन की, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो सूट नहीं करता उसके साथ, तो आप क्या करेंगे, या तो कुड इस्तेमाल कर लिए या फिर वुड इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। अगला लिखता हूँ, उसका आंसर और देना, ध्यान जरूर देना इसको, अगर उतारने किसमें वो दिया ही नहीं है कुड़ तो आपको ऑप्शन में, आप पेपर में ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो वुड ना डाले, हाँ दोनों कैसे हो सकते हैं, अगर एक वो देगा ही नहीं उसको फिर नंबर नहीं देना क्या, कोर्ट में लेके जाएगा कि मतलब उसको, ऐसा नहीं करना ना, टाइम बर्बाद थोड़ी करेगा वो, एक ही ऑप्शन देगा जी। अगला देता हूँ मैं, अगर उतारने की जरूरत महसूस हो, मैंने कहा ना जो ये कह दिया कि ये तो रामबाण है वो तो उतरना ही चाहिए ताकि कभी पढ़ पाओ, इसको तो नोट ही कर लो, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पेपर में आए तो सीधा इतना ध्यान देना प्लीज, और लास्ट में ये
आपको नहीं उतारना है। क्यों? मतलब जरूरत महसूस नहीं हो रही। चलो सॉरी जी, गलती हो गई सर। हाँ जी हाँ जी, सॉरी क्यों बोलता हूँ? सोचिए, उसका जवाब भी आपके अंदर ही होगा। शायद 2 मिनट सोचेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा जी, ओहो, अच्छा, यानी वो नागिन की तरह वीडियो मतलब फीड कर रही है सीधी है। ऐसा ही चल रहा है ना? समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो तो बाद की बात है, तो अभी चलो कर लीजिए जी, आप जो करना है आपको। कोई नहीं जी, देख लेना। मन ना करे देखने का तो वो भी आपका मन है, आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो सॉरी इसलिए बोलना सीख लिया कि अभी अभी एक नई कोशिश कर रहा हूँ कि समझाना बंद कर दें, अपना काम करें और बस बात खत्म। वो शायद शांति देती हैं ये चीज़ें, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना जी, सॉरी। हाँ नहीं, ऐसा तो वो आप सोच रहे हैं, मैं क्या पता दिल में ताल जा। हाँ आपको नहीं कह रहा जी, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ एक नई चीज़, ऐसे कह रहा था मैं। आपने पता नहीं कैसे समझ लिया। ये हो गया है, अगले सेंटेंस पर चलें। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। थोड़ी लाज रख लेना मेरी, कुछ करवाया है, और आंसर करेक्ट दे देना। हाँ करेक्ट आंसर देना। क्या बातें चल रही हैं आपस में, बता दीजिए, मैं भी हंस लूँगा। चलो सोचो और आंसर दो, और आंसर देने का मतलब कारण पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंसर ठीक गया कि गलत गया, कारण पता हो कोशिश करना। कारण नहीं पता हो तो फिर तो आंसर दे ही देना। विल, इन्होंने विल दिया, अपना पर्टिकुलर आंसर दे जल्दी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ सविता, क्या मतलब होता है सविता का? सूर्य, सविता का मतलब सूर्य होता है। अच्छा बनी, वो लेडीज वर्ड और वो जेंट्स वर्ड, इसलिए विश्वास नहीं हुआ। नदी हुआ ना, तो दोनों ही तो फीमेल हुए, दोनों ही तो फीमेल हुए, सरिता भी और नदी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं तो सोच रहा हूँ वो कैसे जा रहा है, यानी वो हर नाम का मतलब बता देते हैं। आप लोगों ने तो पूछ लिया होगा अपना अपना। चलो फिर तो सबका नाम पूछते हैं, कम से कम नॉलेज तो बढ़ी जाएगी इस चीज़ से। एक जैसे पता चला सरिता नदी को कहते हैं, कभी बचपन में पढ़ा था, अब तो याद नहीं है, कुछ चीज़ें याद हैं कुछ नहीं। इसका आंसर दीजिए, आंसर कोड। हाँ जी आप, सविता आंसर आप। हाँ जी आपसे बात कर रहा हूँ, आंसर आप बताना। दोनों का विल, मैं दूँ आंसर अब। वोट ही जाना था इसका, क्यों गया? दिमाग में ही होगा जोर, कहाँ होगा। वो कह रहे हैं दिमाग में, ऐसा ही सोच रही थी। कहाँ सोचता है आदमी, दिमाग में तो सोचता होगा ना। इफ की कंडीशन से मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ पास था? एक मिनट देखो, नई बात और आई। कहाँ है पास्ट, कहाँ है पास्ट? ये वर लगा इसलिए, ये वर लगा इसलिए। अरे सुन लो, कुछ बोलो ताकि मैं भी जज कर पाऊँ मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं कि वर लगा यानी पास्ट लगा है। आप लोगों की भी यही राय है क्या कि वर पास्ट को बता रहा है? बेवकूफ़ो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कोई भी सेंटेंस कंडीशनल कैसे बनता है? इफ़ लगा मिलेगा, एज इफ लगा मिलेगा, एज दो लगा मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको इन केस लिख करके दे दे, हो सकता है वो आपको प्रोवाइडेड लिख करके दे दे। ये जो वर्ड होते हैं वो उसे कंडीशनल बनाते हैं। कंडीशनल मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज़।
इमेजिन कर रहे हैं, बात को सुनो पूरी और फिर बोलना, पहले मुझे तो बोलने दो वरना तो बात भूल जाऊंगा जो बोलना चाह रहा हूँ, फिर कुछ और याद आएगा। कहने का मतलब ये अगर वर्ड मिले वो कंडीशनल बनाते हैं, इसका मतलब आप कंडीशनल सेंटेंस में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आपको याद आ रहा है वो सेंटेंस मैंने बताया था, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ बिलोंग्स टू हिम, वो ऐसा लिख के देगा। होना क्या चाहिए, द होल अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, क्यों, क्योंकि तो लाइन में एज इफ आया है ना, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी। यानी ये जो सेकंड फॉर्म है वो टेंस वाली सेकंड फॉर्म नहीं है जो आप करते हो पास्ट इनडेफिनेट, जो कि एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो दिखाता है, नहीं। ये क्या दिखाना चाह रही है, एक्चुअली इसी के लिए बना रूल है कि मूड आपको दिखाना हो, कोई इमेजिन आपको करना हो तो आप सेकेंड फॉर्म से करते हैं। अब जो ये वर्ड आपने बोला ना वर, इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि बी की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी वॉज और वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बीन होती है। तो आपको समझना क्या है कि ये है ना मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर जो वर आया ये पास्ट नहीं दिखा रहा, एक्चुअल में इस कंडीशन के हिसाब से आई है सेकेंड फॉर्म। जो पास्ट वाली आप बात कर रहे हो उसमें तो क्या होता है ना कि वॉज रूल फॉलो करता है कि इसको आपने आई के साथ और सिंगुलर के साथ वॉज लगाओगे, प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, वर। इसमें तो कोई रूल ही नहीं होता, यहाँ चाहे सिंगुलर लिखो चाहे प्लूरल लिखो, क्योंकि ये तो आया ही इफ की वजह से है। अगर मान लीजिए वो यहाँ पर आपका वॉज करके दे देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज आया है, नहीं, इफ के बाद वो जाया है। तो इस देखिए दोनों में फर्क क्या है, इफ के बाद अगर वर लगाते हैं यानी ये वाले वर भी सेकंड फॉर्म वॉज भी सेकंड फॉर्म, फर्क क्या पड़ेगा, अगर इफ के बाद वर सेकंड फॉर्म से आप सेंटेंस बनाते हैं मतलब फ्यूचर के लिए आप इमेजिन कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम से लेके आने वाला जो टाइम है उसमें ऐसा हो जाए, और अगर आप वॉज इस्तेमाल करते हैं यानी जो टाइम जा चुका है उसमें आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो वो दिखाता है। तो दोनों से क्या फर्क पड़ता है कि जैसे अभी अभी आपने देखा वुड प्लस पहली फॉर्म आई वुड नॉट टेक, कि मैं चाय नहीं लूंगा, फ्यूचर के लिए तो बात करी थी उसने, ये यहाँ भी वही चीज़ है, वर्ब फ्यूचर दिखाता है तो आगे आपको यूज करना होता है वुड के बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म। और अगर इफ के बाद वॉज मिलता है मतलब पास जो टाइम जा चुका है उसके लिए आप इमेजिन कर रहे हैं, तो वहाँ उस पास टाइम में जो काम आप जिसके लिए इमेजिन कर रहे हैं वो तो हो चुका, तो उसको भी तो कंप्लीट दिखाना पड़ेगा ना। कंप्लीट आप किससे दिखाते हैं, परफेक्ट से, तो फर्क ये आएगा अब आप वुड के बाद पहले हैव लिखेंगे, मॉडल के बाद हैज तो आता नहीं है, हैव आता है, और हैव हैज हैड अपने बाद कैसी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, बॉट हो जाएगी। तो यानी अगर मैं लिखता इफ़ आई वॉज रिच, अगर मैं अमीर होता यानी पास्ट की कोई बात कर रहा है, आई वुड हैव बॉट ए कार, मैं एक कार खरीद चुका होता, ठीक है। और अगर आप ऐसे कह रहे हैं इफ़ आई वर रिच, अगर इसका मतलब मैं कभी रिच हो जाऊंगा तो मैं ऐसा भी कर लूंगा, आई वुड बाई ए कार, मैं एक कार खरीद लूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें दो पॉइंट और बताए थे मैंने, यानी टोटल बात क्या बताई थी मैं आपको बताऊं, अगर इफ के बाद आपको मेन सॉरी वर या कोई भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे टोल्ड लिख दिया, आस्क लिख दिया, कुछ भी मिल जाए, अगर सेकंड फॉर्म आपको मिली तो अगले पोर्शन के अंदर आप क्या यूज करते थे, वुड प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते थे। यानी दो क्वेश्चन तो ये बने आपके दो तरीके से, और अगर इफ के बाद आपको वॉज मिले या आपको हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो आगे क्या करेंगे, आप लिखेंगे वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी चार तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर नहीं समझ में आई हो तो बता दीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वरना आगे चलते हैं। कोई बात समझ नहीं आई हो तो, क्या समझ नहीं आया जी, आप बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब देखिए मैंने क्या बोला, आप अभी तक के नॉलेज के हिसाब से वॉज और वर के बारे में क्या जानते हैं कि आप पास्ट दिखाते, जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज स्लीपिंग देन, मैं तब सो रही थी या सो रहा था, कोई भी बात आप पास्ट की बोल रहे हैं जिस भी तरीके से बोल रहे हो तो बात की टेंस की बात है, लेकिन वॉज वर्ब के बारे में आप अभी तक कितना जानते थे ना कि पास्ट को दिखाता है, आई और एक वचन के साथ वॉज लगाते हैं, प्लूरल जो आएगा उसके साथ वर लगाते थे आप। लेकिन यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ ना, यहाँ क्या बात बता रहा हूँ कि देखिए वॉज और वर ना बी की सेकेंड फॉर्म होते हैं दोनों, थर्ड फॉर्म बीन होता है, यानी ये मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। वो जो पास्ट में आप सीखते थे वो तो हेल्पिंग वर्ब होता था वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब है। तो या तो आपको वर भी खुद मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म है, या कोई और मान लो वर भी लिख दी, मान लीजिए मैंने टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड लिख दिया,
तो ये दोनों सेकंड फॉर्म क्या दिखाती हैं, आपकी फ्यूचर के लिए कल्पना करती हैं, ऐसी कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ इफ आई वर ए बर्ड, यानी अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं उड़ता आसमान के अंदर, वो फ्यूचर के लिए कल्पना कर रहा हूँ। ध्यान ये देना, वर या सेकंड फॉर्म मिलेगी तो वुड प्लस पहली फॉर्म अगले पार्ट में यूज करेंगे। जैसे इसमें पहला पार्ट था, ये इतना वर था तभी वुड प्लस पहली फॉर्म आया, करूंगा ऐसा, फ्यूचर के लिए ऐसी हिंदी बनेगी। ठीक है, अगर वॉज इस्तेमाल कर दिया या हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट, वॉज भी दिखाता पास्ट, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। आप जो समय जा चुका है उसमें अगर आप कुछ मतलब कल्पना कर रहे हैं, अगर भाई ऐसा अगर हो चुका होता तो मैं ऐसा भी कर चुका होता, यानी अगर मैं ये कहूँ 2014 से 19 के बीच, अगर इस सेंटेंस में सोचूँ कि अगर मैं पीएम होता तो मैं देश का चेहरा बदल चुका होता, तो मैं कैसे बोलूँगा, इफ़ आई वॉज द पीएम, अगर मैं पीएम होता आई वुड हैव चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, ना कि मैं अपने देश का जो चेहरा वो बदल चुका होता, तो मैंने कैसे बोला, आई वुड हैव चेंज। हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, एक्शन कंप्लीट परफेक्ट टेंस दिखाता है। तो वुड के बाद आपको पहले हैव डालना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये चार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा या ऐसे देगा या ऐसे देगा, आगे ये चेक करेंगे। और डिपेंड करता है, मॉडल पूछेगा तो डायरेक्ट सिर्फ वुड याद रखो, एरर दे दिया उसने तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखो, क्या आना चाहिए इसके बाद, एरर है कि नहीं है, समझ आई बात। हाँ जी, आगे चलूँ? हाँ, क्या इन दोनों में से, बोलो बोलो। नहीं, पूछ नहीं रहा मैं उदाहरण, मैंने ये बोला अगर ये समझ आ गया तो आगे चलूँ। अगर आप ये कहते हो कि इसी में से दूँ तो मैं इसी में से भी दूँ, आगे मिलेगा, लेकिन 2 मिनट बाद दूंगा तो अच्छा लगेगा ना, अभी अभी तो बता दोगे आप आंसर, है ना? तो अभी या तो याद रखो या इसको उतारो, बाकी उतारना है मिटा दूँ। हाँ, क्वेश्चन जितने बनेंगे, मैंने देख लिया कि मॉडल में चाहे आपको मतलब सफाई आए चाहे ना आए, पेपर के हिसाब से आपको नंबर लेने, बस बात खत्म। वो जितने क्वेश्चन बनने में वही दे रहा हूँ, ठीक है? तो इनको नोट कर लेना, इनको हाँ जी, ये वो चीज़ है एकदम मिनिमम से मिनिमम में ज़्यादा रिजल्ट आए, मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी और सीधे क्वेश्चन भी आप पकड़ पाएँ, चाहे कुछ भी समझ में इंग्लिश में ना आए, नंबर तो आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, क्या स्पेलिंग एरर? स्पेलिंग एरर करवा तो रहा था मैं, पिछली बार तो करवाई थी मैंने, अभी स्टार्ट करवाई नहीं, करेंगे इसको भी। क्वेश्चन इंग्लिश के दो थे, ठीक मैं एक लिखता हूँ, इसमें आंसर बताना क्या आएगा। बोलिए आंसर। बताइए, और मुझे वो भी बता दीजिए, ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि जो बाद में आपको तंग करता है, परेशान करता है, जो आपने बोल दिया कि सर आप ऐसा बोल जाते हैं, शायद मैंने तो ऐसा कुछ नहीं अभी तक बोला होगा, ना डांटा होगा ना कुछ, और मैं मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोल दिया, मैं तो पूछ रहा हूँ खुद आपसे पता ही नहीं, वो कह रहे हैं बताओ आंसर इसका क्या है, बोल दो, गलत तो होगा और क्या होगा। कुड ये कह रहा है, द वर्कर ट्राइड टू वॉक, वर्कर ने कोशिश करी वॉक करने की। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या सेंस देती है, क्या मीनिंग देती है, कारण या उद्देश्य बताना हो तो उसने ट्राई किया क्या करने का, टू वॉक, वॉक करने का। बट परंतु ही ब्लैंक नॉट, यानी उसने कोशिश करी ऐसा करने की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, सका सकना किससे बताते हैं, क्षमता, कैन या कुड से,
सेकेंड फॉर्म दी है ट्राइड, इसका मतलब पास्ट की बात चल रही है, तो आप क्या यूज करेंगे? कुड, वह नहीं कर सका। समझ आया? हाँ, और अब की बार आंसर पूछो ना, तो आंसर देना ताकि मुझे ये पता चले कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, हिचकना मत। नेक्स्ट लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आया। लो सोच लो, मैं पूछता हूँ आप लोगों से आंसर, अपना अपना आंसर देना ठीक है, और दिमाग की बत्ती खोल के आंसर देना। पूछूं? जिसको पता हो वो आंसर दे सकता है पहले। विल, आप बताना। विल, उनके साथ मत कूदना कुएं में। हाँ जी, शैल। तुमको तो सेम ही आंसर देना आज, जो भी आंसर दोगे वो सेम दोगे। हैं हाँ, जो भी सोचोगे वो भी सेम ही सोचोगे, समझता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ आंसर, सुनिए। मैंने लिखा कि आई गो आउट फॉर ए वॉक, यानी मैं, पहली फॉर्म लिखी ना उसने, यानी मैं जाता हूँ वॉक के लिए, सो दैट, ताकि, क्यों जाता हूँ? आई ब्लैंक बी हेल्दी, ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। मैंने जब आपको यूज ऑफ मे, माइट या मस्ट करवाया था, तो उस टाइम पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मे क्या बताता है, किसी भी काम के होने के 50% चांस होने के और 50% ना होने के चांस बताता है। और मैंने एक पहचान दी थी, यहाँ से क्वेश्चन ये कहता है कि अगर सो दैट आपको सेंटेंस में दिख जाएगा ना, इसका मतलब लाइन के अंदर वो पर्पस दिखाने की कोशिश कर रहा है, भाई मैं जाता हूँ वॉक के लिए ताकि ऐसा रह सकूँ। तो पर्पस जब भी शो करेंगे वो हमेशा मे से करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए ये। ज़्यादा कुछ सीखिए मत बेशक मे के बारे में, सीधा ये क्वेश्चन भी अगर आप पॉइंट रखेंगे तो लगभग चांस है, लगभग 90% प्लस कि वो यही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब आप ये दैट या सो दैट की पहचान करिए, कोई काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हैं, कामयाब हो सकूं, एग्ज़ाम में पास हो सकूं, जिंदा रह सकूं, स्वस्थ रह सकूं, इस तरह के सेंटेंस वो देगा। तो दैट या सो दैट आपकी पहचान देंगे, जो डराते हैं पर्पज़ शो करना है, पर्पज़ आप मे से ही शो करेंगे, क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी काम आपने किया उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ये आप सिर्फ 50% तक ही मतलब कह सकते हैं, सोच सकते हैं हक, उसके बाद तो 50% तो किसी और के हाथ में है ना ये, इसलिए 50% से ऊपर नहीं सोच सकते हैं। आगे चलूं? बोर हो रहे हो क्या क्लास में? हाँ, क्या बताया थोड़ा क्या? हाँ, वो दिख तो नहीं रहा दिमाग कहेंगे। चलो मैं एक सेंटेंस और देता हूँ, देंगे लेकिन थोड़ा घूम के आऊँगा ना, तुरंत थोड़ी दूंगा, फायदा क्या है? क्या पता मैं पिछली बार जो करवा चुका हूँ उसके ऊपर दूँ, ठीक है? तो आप देना आंसर ध्यान से। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा मारता है रट्टा। हाँ जी, टीचर ही लिखा है, ऐसी राइटिंग है क्या, समझ में नहीं आ रहा कुछ। स्कॉलरशिप है, पता नहीं क्या लिख रखा है इसने। वुड कोड शुड, अब की बार तो मजा अच्छा ऑप्शंस बनाए हैं। बताइए,
बताइए। न तभी तो दिया मैंने ये कि बच्चा रट्टा मारता है। हाँ जी, वुड। किसका आंसर वुड? आपका कुड बोला है। हाँ तो वुड ही कह रहा हूँ। आप जी अगला आंसर वुड। आप एक सेंटेंस और था। नहीं, वुड का मतलब नहीं पता। वुड का मतलब नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। अगर नहीं पता तो बता दो, बताओ फिर भी आंसर दो। वुड। सबका आंसर सेम है। देखो मैंने इसमें क्या समझाया था कि शुरू में पास्ट है तो आगे भी पास्ट मिलेगा। सबसे पहले सोचने वाली बात ये थी, सैड दिया यहाँ, टीचर सैड दैट, टीचर ने कहा, यानी शुरू में सैड दिया, पास्ट की वर्ब दी सेकेंड फॉर्म, तो आगे वर्ड पास्ट का। ऑप्शन देखे, वुड कुड शुड माइट सारे पास्ट के हैं। वो किसके पास्ट है उनको याद करो। ये पास्ट है विल का, ये पास्ट है कैन का, ये पास्ट है सेल का, और ये पास्ट है मे का। इसका मतलब ये नरेशन का आंसर है जो मैंने शुरू में बताया था। कोमे की जगह दैट आता है, सैड, आस्क वगैरह, इतना तो याद होगा ना। अंदर फिर जो सेंटेंस आप आंसर बनाते हो पास्ट में बनाते हैं, तो ये कैसे बोला गया होगा, इनमें से किस वर्ड से बोला गया होगा, उस हिसाब से सोचो। भाई टीचर ने कहा, टीचर ने, अभी देखो आई वर्ड आया, तो ये आई वर्ड किसको बता रहा है, जिसको कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी दैट दैट, और यहाँ सेंटेंस में होगा यू यू ब्लैंक विन ए स्कॉलर, टीचर ने कहा कि तुम एक स्कॉलरशिप जीत जाओ, तो टीचर कैसे कहेगा ये बात? अगर मैं विल लगाता हूँ तो जीत जाओगे, कैन जीत सकते हो, शैल जीत जाओगे, मे जीत जाओगे, लेकिन अभी मैं क्या दिखा रहा है, एक तरीके से आपके लिए कामना करी जा रही है, या एक तरीके से जज की जा रही है चीज़ कि हाँ भाई तुम जीत सकते हो, यानी 50% से ऊपर तो नहीं कह सकते ना, तुम कर सकते हो ऐसा काम। तो इसका मतलब अब आपको जो ना इस्तेमाल करना चाहिए वो मे का पास्ट, क्योंकि ये लाइन ऐसे बोली गई थी, यू मे विन ए स्कॉलरशिप। हाँ क्या कह रहे थे? कामना। देखिए मैं किस जीत कहूँगा, यू मे, तुम ये कर सकते हो। हाँ जी देखिए सुनिए मेरी बात, आप एक्चुअल में आपने नरेशन नहीं करा है, शायद इस वजह से पूरा पॉइंट क्लियर नहीं है। और अब की बार तो सारे ऑप्शन दे दिए उसने आपके पास्ट वाले, अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना, वो क्या करेगा, ऐसा नहीं करेगा, सभी को पास्ट में देगा। ये मैंने एक्सरसाइज ही ऐसे बना रखी है ताकि डीपली से डीपली सीख सके, यानी कि इनमें फ़र्क क्या है सभी पास्ट वालों में। वो आपने यूज़ ऑफ जो मॉडल सीखे थे उसके अंदर आप देखिए, वुड क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं किसी चीज़ को आप फ्यूचर के लिए, कुड पास्ट में कर सकते थे, शुड करना चाहिए एडवाइस, माइट संभावना, मे का पास्ट। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, तो इसलिए आपको माइट यूज़ करना होगा। इसको उतार लेना, अगला सेंटेंस और देता हूँ मैं। ये आया। के ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? अभी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो अभी अगर मिटा के लिखूं या बोल दूं, गांधी जी ब्लैंक स्पिन यानी कातना, और एन आवर डेली, डेली 1 घंटे तक। तो ऑप्शन देता हूं मैं इसके, मस्ट शुड। अजी बताइए, पहले पढ़ तो लो। दे दिया आंसर मस्त, अंदर तक नहीं गया, पहले बाहर ही पटक दिया है। बीस मिनट और बचे हैं क्लास के, जल्दी करना। मैं तब तक टिक कर लेता हूँ, जल्दी आंसर देना मुझे।
दोनों आंसर ऑट मस्ट शुड ऑट यूज टू। अरे मूर्ख हो, नहीं दोगे आंसर यूज टू, क्या बताता है यूज टू, कल ही बात करी थी दोबारा इस बारे में, ऑट आएगा, ये क्या बात हुई, मैंने गलत तो बोला ही नहीं यूज टू के बारे में। अब मैं तो उसके बारे में जिक्र करूँ ताकि ये पता चल सके कि इन्होंने आंसर क्यों दिया। हाँ क्या बताया आपने, आदत को बताता है, यूज टू आदत को बताता है। और हाँ भी सेंटेंस में जरूरत क्या, गांधी जी काटते थे डेली एक घंटा, पास्ट की आदत पूछ रहा है। यूज टू अगर मॉडल होगा तो पास्ट की आदत बताता है, यूज टू अगर एडजेक्टिव होगा तो अपने बाद आई एन जी वाली वर्ब लेगा। अब वो पहचान कैसे करते थे, अगर उसके पहले इज एम आर था तब यूज टू आए तो एडजेक्टिव, वैसे भी बता रहा है पहली फॉर्म, तो सीधी सी बात है यहाँ लिखो यूज टू, गांधी जी काटते थे, यूज टू को मॉडल की तरह लिखेंगे ना, पास्ट की आदत बताता है। ठीक है आगे चलो, एकदम ये लास्ट है, अगर इससे भी अगर आप मतलब नहीं कुछ समझ पा रहे ना, या तो फिर तो आपके लिए तो पता नहीं कुछ बुरा है कि नहीं है, पर मेरे लिए ज़रूर बुरा है। एक्चुअल सारी दिक्कत इतनी है कि आप करवाया हो ना, करते नहीं हैं, अब वो आपको टाइम नहीं मिलता है या आप बहानेबाज हो गए हैं, वो आपको पता होगा या एकेडमी ओनर को पता होगा। ऑप्शन दे रखे जी, शुड कैन, शायद ज़्यादा पढ़ लिया आपने आँखों की रोशनी का, शुड कैन नीड और ऑट टू। बोलो मैं बोल दूँ आंसर, फिर मुझे बोल दो, हिंदी करना है भाई, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, नीड कोई और, नीड शुड, हाँ बड़ी बात आगे बनी, और धक्का लगाओ थोड़ा सा, क्या करने की, हाँ बहुत सारे का मीनिंग कौन दे रहा है, प्लेंटी यानी एग्जाम में वो कैब का भी आ सकता है, और एग्जैक्ट आंसर यही है इसका, आपको इसके अंदर नीड का इस्तेमाल करना है। आप सेंटेंस की नीड क्या है वो तो देखिए, वहाँ भी नीड ही आ गया, कि तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कारण भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइम है ना अपने पास, समझ रहे हो मेरी बात, आगे चलो मिटा दूँ इसको या उतारना है, उतारना है हाँ? आपके सब बातों के लिए हाँ है पहले से ही, पढ़े आए ना, सीख के नहीं आए, फर्क आ गया ना दोनों शब्दों में, हाँ ये कह सकते, देखिए ये आप कह सकते हैं, ये हमारे देश का एजुकेशन नहीं, मेरी जू नहीं, मेरे जू क्यों होंगे भाई, जू मेरे तो बाल भी नहीं बचे हैं, जू कहाँ से होगी हाँ वो आइए ना बात कर, नहीं वो ठीक हो रहा है, ऐसा है वो जो हो रहा है ना ठीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम अगर ख़राब है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आदमी की नीड ऐसी होगी पैसा, पैसा मतलब नौकरी, नौकरी मतलब पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब सिर्फ पैसा, तो जब अगर किसी चीज़ का मतलब इतना ही होता है, मतलब कोई चीज़ अगर पैसा ही है तो फिर काम भी वैसे ही होगा, रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, और फिर आप मतलब कंप्लेंट करने का कोई हक भी नहीं किसी को, हर कोई जिम्मेदार है, कोई एक जिम्मेदार नहीं इन चीज़ के लिए, मिटा दूँ हाँ आप बाढ़ रह रहे हो के अरे नहीं नहीं अभी तो बाढ़ नहीं रह रहे, तो अभी पूरी कर लो कमी हैं, अगर जो टाइम जा चुका है उसके लिए क्या है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने अपनी कमज़ोरी बताई कि मैं भी कभी कमज़ोर था, तो कहाँ पूरी करी,
ये जो बीच का जो एक होता है ना एज, ये किस लिए होती है? ये एक्चुअली इसीलिए होती है ना, तो बचपन आपके हाथ में होता कि आपने बचपन कैसे जिया है, जवानी ना सॉरी बुढ़ापा आपके हाथ में नहीं है कि वो आप एक तरीके से रिजल्ट है आपका, और वैसे अगर सीधा दिमाग से सोचे तो वो भी नहीं, सिर्फ यही एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आप अपना पिछला अगर कुछ गलत हुआ है आपके साथ जिस टाइम आप लाचार थे तो वो पूरा कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप मतलब कुछ ये चाहें कि आपके साथ भी अच्छा हो तो उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके मायने कुछ और हो गए हैं, है ना, कि वो जो टाइम पीरियड मतलब मौका, जवानी मतलब मौका, लेकिन शायद अब आप इसी बात को पॉजिटिव वे में नहीं लेके जा रहे कि मेरी पिछली कमी पूरी कर लूँ, तो वो आपकी कमी है ना जी, वो टीचर्स की कमी नहीं है कि आप अब ये सोचते हैं कि मतलब बचपन में हो गया वो अब नहीं हो सकता, ये नेगेटिव सोच होती है, तो ये मत बोलिए, आप जितनी एनर्जी आप पीछे लगा रहे हैं इतनी एनर्जी अभी लगाइए ना, मैं एक सेंटेंस देता हूँ जो आप कह रहे थे कि अभी ऐसा ही दे दो, वैसा ही देता हूँ, ठीक है, बल्कि ये नहीं, ये देता हूँ, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? आंसर देना इसका क्या है? बताइए आंसर, और लिख देता हूँ तब तक। निश्चित तौर पर मतलब एक बात बोल दी तो बस अब वही पकड़ के बैठ जाओ, है ना, अब पकड़ते रहो फिर, कल्पनाएं तो मरवाया रहे जी आदमी ने। बोलिए पहले का आंसर मैं दूं, अगर नहीं पता तो एक और लिखते हैं, देखते हैं दिमाग है आपने, दिमाग नहीं है तो फिर तो पार्टी खत्म होगी, घर चले जाना चाहिए, बना रहे हैं दिमाग, वो लग नहीं रहा, चलो टाइम लगा लो जी आप, आपको लगता है अगर टाइम लगता है तो चलो बताइए। बोलो जी एक तो सोल होया नहीं है, एक और दे देते हो, पहला देखिए मैं बताता हूँ, ही ब्लैंक सर्टेनली कैच द बस, वह निश्चित तौर पर बस पकड़ लेगा, हिंदी मैंने कर दी, कर लेगा ये काम, तो क्या लगाऊँ गागेगी के लिए सेलिया विल, यानी फ्यूचर आप सेलिया विल से दिखाते हैं, रूल क्या कहता है, आई और वी के साथ सेल, बाकी शब्दों के साथ विल आता है, लेकिन उल्टा भी होता है, उल्टा कब होता है, निश्चित मोर देन 100% आपको दिखाना हो, धमकी देने के सेंस में, दृढ़ संकल्प के सेंस में, ऑर्डर देना हो तो आप उल्टा रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, मैं अरे आ यहाँ पर वर्ड क्या है, वर्ड क्या है यहाँ पर, सर्टेनली वर्ड आया है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर, तो मैं तो 50% दिखाता है जी, आप अच्छा चलो, मैं मुझे याद या अधूरी बात सुनाई दी होगी, ठीक है तो सॉरी, मैं फिर सॉरी बोलता हूँ, सुनो बात, इसमें आंसर क्या आना चाहिए, सर्टेनली दिया ना तो आप विल लगाओगे, वरना तो एक मिनट शेल लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ नॉर्मली क्या आता है, विल आता है, निश्चित तौर पर दिखाया तो इसका मतलब आप शेल का यूज करेंगे उल्टा, इसमें सी ब्लैंक प्ले विद अस व्हेन सी वाज यंग,
हमारे साथ खेलती थी जब वह जवान थी। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा? टुड। अरे वाह, मूर्खो, पास्ट की आदत किससे दिखाते हैं? पास्ट की आदत किससे दिखाते हैं? माइट से। क्या मैं भाग है मेरे, मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास जो इतनी अच्छी मिली है कि 5 मिनट यूज टू दिखाता है पास्ट की आदत। तो यहाँ पर पास्ट वो कह रहा ना, व्हेन सी वॉज यंग तब ऐसा करती थी, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? यूज टू। समझ आई बात है? अगला हाँ पढ़ लो जी, इसमें लगाना बुद्धि अगर है तो आपके पास। हाँ हाँ जी, सिंपल लाइफ है। मैं तब तक और देखता हूँ सेंटेंस। और चाहिए होता है जी, क्या बताया? और टू। हाँ जी, ये चीज है ना, इसमें ऑप्शन के बाद टू दिया है। अच्छा अब बात क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और थी। गलत आंसर आपका, गलत है हकीकत में। हाँ देखो, यहाँ दो वर्ड दिए टू वाले, एक यूज टू एक कॉट। दोनों में फर्क मैंने क्या बताया था? यूज टू को आप लाइन में दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। अरे नहीं, आप सुई अटक गई आपकी वहां पर। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो, यूज टू दो तरीके से आता है, एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से, तो दूसरा एडजेक्टिव के तरीके से। कैसे पहचानते हैं आप कि उसके पहले अगर इज एम आर आया है तो यूज टू क्या है? एडजेक्टिव है, नहीं तो वो क्या है? आपका मॉडल है। लेकिन ओट टू के बारे में क्या जाना था? ये तो एक ही तरीके से आता है, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से, मॉडल के तरीके से। यहाँ एम लिखा है ना, तो इसका मतलब यूज। थोड़ा ध्यान दे रहे थे, मैंने कहा था बुद्धि जो कि नहीं आप लोगों के पास है, नहीं उस बुद्धि का क्या फायदा जिसका पता ही लग जाए। हाँ जी, नहीं है ना, एक्सेप्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, हो जाएगी। चलो फिर लगे रहो। इसका आंसर दो फिर, इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने। पांच सात मिनट ही बचे हैं बस क्लास के, जल्दी करो। क्या मैं दिया आंसर? और कोई बोलो बोलो आप। माइट। देखो ये होती है बहादुरी, है ना, अकेले चलेंगे हम, साथ चलेंगे ही नहीं किसी के, है जी, अकेले। अकेले में जो मजा हो किसी चीज में नहीं हो सकता ना। मैं, चलो दो आंसर मैं और माइट चल रहे हैं, कोई और कुछ नहीं? मैं बता, माइट आपने बताया या मैं, इन्होंने माइट बताया ना, तो मेरे फिर मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ जी, फिर कई बातें संभालनी पड़ रही हैं एकदम से। चलिए मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। मनीष इज वर्किंग हार्ड, यानी मनीष कड़ी मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिल सके। पर्पज क्या उसका? पर्पज शो कर रहा है। अब की बार फर्क क्या कर दिया? कोमा लगा दिया, दैट या सो दैट नहीं लिखा जो मैंने पिछली बार बताया था। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? उतारना है, जल्दी करो। मेडिसिन सिखा दूं मैं तुझे, पता नहीं कहते के सिखा दूं। नहीं मैं ऐसा भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। मैं वही कह रहा हूं कि पेपर का काम का ही ज्यादा, तो पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर।
एकदम से कहाँ, इतनी एकदम कीड़ी की चाल चले जा रही है। अब अगर ये भी एकदम है तो फिर तो भाई हाँ सही चल रहा है भाई। चलाते रहो, ठीक है। हाँ, चलाते रहो। हाँ, अभी उतार लियो तो मिटा दूँ। चलिए अगला सेंटेंस देता हूँ, आंसर देना है इसमें। हाँ, ये काम का है। तीन चार सेंटेंस देता हूँ, ये लास्ट है, उसके बाद क्लास टाइम पूरा हो जाएगा आपका। कई अक्षर जो समझ ना आए तो पूछ लेना। हर सॉल, सॉल समझते हो या बताऊं? आत्मा, आत्मा है आप लोगों के पास? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, श्योर हूँ मैं जरूर श्योर हूँ। आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा होता है, वो वास कहीं दिख नहीं रहा। तो कैसे मान लें कि हमारे अंदर आत्मा है? नहीं मान सकते ना। हाँ, आप मानना छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा उस पर? पड़ेगा कुछ फर्क? किसको पड़ेगा फर्क पड़ेगा तो? हाँ, यानी इसका मतलब आप खुद ही परमात्मा हैं। सिर्फ मनुष्य के ही कण में है, बाकी कहीं नहीं है। नहीं, अब अगर हो जाएंगे तो भला हो जाएगा, लेकिन वो होना नहीं है। क्या नहीं होना है, भला या आध्यात्मिक? घर से निकाल देंगे, यही तो बात है। आपने कई करोड़ की बात बोली है, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि मैंने बोल क्या दिया है। हकीकत बता रहा हूँ, इनको नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ थोड़ा महसूस किया, वो बोल दिया, वो ठीक है। क्योंकि यहाँ तो सब कुछ इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट है। कोई किसी को कुछ भी दे रहा है, इसका मतलब बदले में बहुत कुछ चाहिए। अब माँ बाप हैं, उन्होंने आपको अगर यहाँ तक या अभी तक संभाला है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, डिपेंड तो उस पर करता है। और पर्पस तो होना ही नहीं चाहिए, पर्पस तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद उसकी आज़ादी है, वो क्या करे या उसकी किस्मत होती है। लेकिन अपने हिसाब से डाला जाता है, नहीं ये तो यही होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो आप फिर मेरे लिए हैं ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था इनको नहीं पता है। एक और लिख दूँ, एक और लिख देता ना, पांच तो हो ही जाएंगे। हाँ, इफ यू हैड टेकन टी, कल सुबह 8 से 10 में क्या रूटीन है आपका? सोना है अभी तो? मतलब
ना जी चिंता मत करो, नहीं है गलत। आपको दिक्कत क्यों होगी जी? दिक्कत उनको होगी जिनको लगानी है, वो शायद आप लोगों की वजह से। आपने ये बोला हुआ कि सोना है, इसी वजह से शायद शेड्यूल चेंज कर दिया होगा। हाँ चलो फिर मैं क्यों पूछूंगा, क्यों नहीं है या किस लिए है? ये तो इतना है कि फैसला आप अपनी तरफ से लीजिए, दूसरी तरफ से ऑप्शन। अच्छा ही बात है, परमानेंट रेस्ट मिल जाए अपने आप से तो दी बेस्ट है। चलो बताइए इसका आंसर क्या है। हाँ फर्स्ट में मे, फर्स्ट माइट। पहले सेंटेंस के अंदर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ सेकंड फॉर्म दी है, ये तो ध्यान दिया होगा ना, पास्ट फॉर्म है यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। और ये नरेशन से ही आता है, अगर विश या प्रे करते हैं तो मे से बोलते हैं सेंटेंस को, ठीक है? इसमें बताना। अरे मूर्ख हो, जब लास्ट में ये निशान मिले ना तो इसका मतलब है लाइन के अंदर मे ही आएगा, बताया था मैंने आपको ये। आप श्योर तो हो ही नहीं अपनी बात के ऊपर, बोल कैसे अटक गए जैसे अभी सोच रही हूँ, तो कैसे मान लो आंसर? हाँ जी, ब्लैंक हर सोल रेस्ट इन पीस, मतलब वो काम ना कर रहा है कि उसकी आत्मा जो है ना शांति से रहे। हाँ तो मैं यही तो बोलेगा, मैं हर सोल, कि ऐसा हो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, कामना कर रहा है। कामना क्या पता उसकी पूरी होगी कि नहीं होगी, 50% होगी ना, तो मैं हर सोल उसकी जो आत्मा है रेस्ट वास करे, मतलब इन पीस शांति में। जिसके लास्ट में ऐसा निशान मिल जाए, ऑप्शन एक ही है, में आएगा। किसका? इसका आंसर दो फिर। अब वो अपनी क्षमता दिखा रहा है ना, इसको आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। क्षमता आप कैन कुर से दिखाते हैं, प्रेजेंट की बात है तो कैन ही लगाएं। अरे तो फिर इसमें मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि मुश्किल से तो ठीक हो। हाँ ये तो खुशी की बात होनी चाहिए थी, आप इस पे अफसोस दिखा रहे हैं कि मुश्किल से ठीक हुई। इसको बताओ, हाँ नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, कौन होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला? आप उतारते ही रहे ना। बोलो कितने दिन लोगे? वुड, बस सीधी सी बात, अभी भी बता था, इफ के बाद चारों में से कोई भी दे, आगे तो मॉडल तो सेम ही आना है। वुड स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, वर या सेकंड फॉर्म मिलेगा तो वुड प्लस पहली फॉर्म, इफ के बाद वॉज या हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगा तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, इफ था हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। हैव थर्ड फॉर्म दिया है ऑप्शन, ये क्या हुआ? ये रहे। तो वुड आएगा इसमें, कम से मॉडल तो ध्यान रखो ना, चारों में से कोई भी हो, बाकी तो स्ट्रक्चर। अभी पूछ रहे हो या बता रहे हो? कंफर्म अभी लिखा था शायद आपने, अभी शायद आपने लिखा भी था। अगर नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ कहो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, अगर नहीं लिखा है तो। लिखा है, चलिए हाँ, तो याद रखिए ना उसको, इफ के बाद हैड थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म या वॉज मिले। हाँ अरे ऊपर तो बात कर लूँ, एक बार रुक जाओ, तो जी क्लास में और भी बैठे हैं, है ना? सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिले या वॉज मिले तो आगे वाले पोर्शन में वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगा, और अगर आपको यहाँ पर वर मिले या सेकेंड फॉर्म मिले तो आगे वाले पोर्शन में वुड प्लस मेन वर्ब की पहले फॉर्म। अरे हद होगी भाई, क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, अजीब एकदम। मैंने चार ही बात बोली है, इफ के बाद अगर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म या वॉज मिले, मैंने लिखवाया भी है 2 मिनट पहले, तो आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म,
ये दोनों दिखाते हैं पास्ट की कल्पना। अगर वर या सेकंड फॉर्म जैसे टुक मिल जाती तो आगे वुड प्लस पहली फॉर्म। समझ आई बात? अगले का आंसर नर्स का मीनिंग नहीं जानते आप, पालन पोषण करना। आई शैल नर्स हिम, मैं उसका मैं नर्स करूंगी करूंगा ताकि वह जिंदा रह सके। मी दैट आया ना, पर्पस दिखा रहा है तो इसका मतलब मे का यूज करेंगे। क्लियर? क्लास टाइम शायद हो गया आपका, हाँ 10:07 हो गए हैं। तो मैं निकलूं अगर ज़्यादा कहो तो एक दो सेंटेंस और दे सकता हूँ, वरना नहीं। नहीं मर्जी क्या, टाइम तो 5 मिनट के तो मेरी ही मारेंगे और किसी की नहीं मारेंगे, आपकी मर्जी। क्यों भाई? मर्जी। मैं बस लास्ट के 2-3 सेंटेंस और कर रहा हूँ, क्लास ओवर कर रहा हूँ सर। इसमें लगभग इन्हें हो ही जाएगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगली बार इसी को चालू करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कम से कम सारे क्वेश्चन तो हो जाएं इसमें से, और ये हो ही गए हैं। हाँ एक तो यही देता हूँ, देना इसमें आंसर। मैंने कुछ नहीं दिया इनको, सब कुछ आप लोगों को दे दूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा। अरे मूर्खों, मैंने ये बोला था कि अभी कर लो बाद में फोटोकॉपी दे दूँगा, ये बोला था। क्या हुआ? जल्दी करना, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, बस ख़त्म कर रहा हूँ इस चैप्टर को, फिर कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, कहने का मतलब। इनमें इंक भी नहीं होती। डालने वाले तो होंगे, किस चीज की और बाकी हाँ? बस 2 सेंटेंस और बचे, चैप्टर खत्म। ये जो अक्सर ना मेडिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं, क्या करें, कुछ हो नहीं सकता इनका, क्योंकि लेवल ही ऐसा पहुंच जाता है। सो ब्लैंक यू रीप, REAP। जल्दी करना इसको उतारना, जल्दी मैं सेंटेंस इसमें बचे हैं आपके काम के। रिप काटना, सोनम क्लास देख रही होगी कि नहीं देख रही होगी, कुछ तो बोल के गई होगी। क्यों आज ऐसा क्या है? उसमें हाँ, इसका मतलब पढ़ाई जरूरी नहीं है। हाँ
हो जाता है, क्लास में नहीं होता डाइवर्ट। जिसका होना होता ना उसका कोई रोक नहीं सकता जी। चलो फिर तो ठीक है जी। एक लास्ट सेंटेंस और लिखता हूँ, चैप्टर खत्म आपका। फिर बस बस आवाज नहीं, प्लीज सेंटेंस पर ध्यान दो। हाँ क्योर वाला जी, बस चैप्टर खत्म हो गया एक्सरसाइज की तरफ से। मैंने जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे हो गए हैं, कई तो रिपीट भी हो गए हैं। इसमें जल्दी देना आंसर। पहला देखिए मैं देता हूँ आंसर, ब्लैंक यू प्लीज काउंट योर अमाउंट, प्लीज से रिक्वेस्ट दी है तो क्या आना चाहिए, वर्ड, या फिर क्या आ सकता है, कोड, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता प्लीज। हाँ सेकंड में क्या आएगा, क्या बोला, वर्ड, कारण दैट आया है, दैट के साथ मोड लेके ही आता है जी वर्ड। ठीक है अगला, एज यू सो सो सेल यू रीप, ये कह रहा जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे, गे गागे के लिए सेल विल, अब रूल जो बताएं लागू करना इस पर, जैसा बोगे वैसा पक्का काटोगे, यू के साथ वैसे विल आता है आमतौर पर, जो पक्का हो जाए तो उस, कोई नहीं सेंटेंस एज इट इज आएगा। अगला बोलना, I blank be a clerk but now I am an officer. ओहो मतलब बुद्धि के बगैर ही आंसर दिया जा रहा है, इसको निकाल के रख दो चैन आएगा कसम से, और तो कोई फायदा तो हो नहीं रहा। अरे बेवकूफो ये कह रहा है कि बट नाउ आई एम एन ऑफिसर, कि परंतु मैं अभी ये हूँ, तो कभी क्या होता था, पास्ट में क्या होता था, यूज टू बी, ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं जी, मेरे कानों तक नहीं पहुंची जी। अच्छा जी इसका आंसर दो अब, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड ब्लैंक बी एंड्योर्ड, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता हो उसको सहना चाहिए, एंड्योर सहन करना, क्योर इलाज करना, मस्ट, और क्या करेगा आदमी के पास ऑप्शन तो है ही नहीं, लाइलाज बीमारी है, लाइलाज तो लाइलाज होती है, उसका कोई इलाज तो है नहीं ना। हाँ बैम और भी बड़ा होता है हाँ, और जिसको घुस जाता ना उसका फिर मतलब वो परेशान ही रहता है। गांधी जी ब्लैंक टू वॉक इन द इवनिंग, हाँ पास्ट की बात चल रही है तो इसका मतलब टू भी दिया हुआ इसने बाहर, यूज ऑल ऑफ अस, हम सभी मर जाएंगे, ऑल ऑफ अस किसके लिए इस्तेमाल कर रही है, हम के लिए, वी अपने साथ सेल लेता, पक्का मरेंगे, कोई चांस है बच जाएंगे, तो इसका मतलब विल। आई ब्लैंक ट्राई टू गेट ए जॉब, इसमें ध्यान से आंसर देना भाई, हाँ प्रॉमिस कर रहा है जी बिल्कुल। आंसर देना, मैं लास्ट पूछ के जा रहा हूँ पर्टिकुलर आंसर, जल्दी दो बस जाना है। हाँ चल, अच्छा आप चल शेल शेल शेल, अच्छा शेल, ये आई प्रोमिस का कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, वो प्रोमिस कर रहा है भाई, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, सुनो मेरी बात, मैं कोशिश करूँगा जॉब पाने की, करूँगा गागे के लिए सेल विल, आगे लिखा आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, वादा करता है तो उल्टा रूल चलता है, लेकिन बात ध्यान देने की थी यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये लाइन ही अलग है, इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, यानी ये सेंटेंस इतना ही है, तो नॉर्मल इसका मतलब आई शैल, क्लियर, बाकी बातें अगले एपिसोड में करेंगे। हाँ मुझे
ये भी मुझे लगना चाहिए कि सीखा है कि नहीं सीखा है। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप तो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है आप सीखना नहीं चाह रहे, आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी पूछा मत करो ना, धो दिया करो उसको, निशान भी नहीं बचेंगे, पूछने से तो निशान बच जाते हैं और निशान नहीं छोड़ने चाहिए। जी बता तो मैं बहुत कुछ देता हूँ लेकिन अब समझ में ही ना आए तो क्या करें, है ना जी। देखो ये बहुत समझदार लड़की है, बहुत ही समझदार।